नाम की है एक मिनट हिंदी नेशनल। नमस्कार, मेरा नाम प्रणव कुमार जी। सर आप अपना पूर्ण परिचय दें सर, यहाँ के बारे में पूरा परिचय दें। मेरा नाम प्रणव कुमार हुआ जी। बेसिकली ऐसे देखिएगा, मूलतः मैं इसी जगह का निवासी हूँ जी। कहाँ कहाँ के निवासी हैं? नगर पंचायत एरिया, नगर परिषद एरिया में ही बेलारही वार्ड नंबर 11 पड़ता है जी। स्कूल से 3-4 किलोमीटर इधर हो गया, आप ऐसे समझिएगा तो जी। डीएवी पब्लिक स्कूल झंझारपुर में 16 सितंबर 2021 से प्रतिस्थापित हुए। इससे पूर्व और भी कई डीएवी में मैंने अपनी सेवा दी है। कहाँ कहाँ सर दी है, पूरा डिटेल में बता दें। मैंने डीएवी पब्लिक स्कूल्स 2000 में ज्वाइन किया। कहाँ की जगह ज्वाइन किया? ज्वाइन तो किया था शुरू में, मैं झारखंड में, अब झारखंड हो गया, उस समय बिहार था जी। तो वहाँ सेवारत था। उसके बाद 2002 से 2003 तक मैं डीएवी दरभंगा में था एज टीचर जी। और उस तत्पश्चात जो है 2003 से 2017 तक मैं डीएवी पब्लिक स्कूल खबौल पटना में शिक्षक के तौर पर कार्यरत था जी। और 2017 से 2021 तक प्राचार्य के तौर पर डीएवी मोतिहारी में कार्यरत जी। बहुत जगह घूमा सर आप। मोतिहारी के तत्पश्चात 2021 से डीएवी झंझारपुर में, जो कि मेरा मूल स्थान भी है सर। सर एक चीज बता दें, झंझारपुर में डीएवी जो है, मान लीजिए कुछ माने रखता है इसका स्टैंडर्ड, मान लीजिए डीएवी का एक अपना अलग बैनर है, छाप है। सर अभी फिलहाल यहाँ कितने शिक्षक और शिक्षिका हैं? डीएवी पब्लिक स्कूल झंझारपुर जो है, तो ये एमएनझा डीएवी पब्लिक स्कूल झंझारपुर के नाम से जाना जाता है जी। और डीएवी पब्लिक स्कूल झंझारपुर की स्थापना 2003 में हुई थी जी। ये डीएवी भारतवर्ष में जितने भी संस्थाएं हैं जी, ये भी अगर आपको पता होगा तो डीएवी भारत का ही नहीं, एशिया का गैर सरकारी सबसे बड़ी शैक्षणिक संस्था है जी। और उसी संस्था के तहत ये स्कूल की स्थापना 2003 में। फिलहाल अभी सर मधुबनी जिला में कहाँ है? मधुबनी जिला में एक तो ये सब डिवीजन झंझारपुर में है जी। और एक झंझारपुर सब डिवीजन में ही एक मधेपुर ब्लॉक में पछी के पास है जी। जी वहाँ जो दो देख रहे हैं डीएवी है, वो एक ही डीएवी है। पहले वो किराए के बिल्डिंग में चलता था, अब अपनी प्रिंसिपल वहाँ एक ही है। अच्छा, बिल्डिंग पहले किराए की थी, अब वो जो आप पछी में देख रहे हैं वो पछी गांव में जो है वो अपनी जी। सर हम आपसे पूछ रहे थे कि यहाँ कितना शिक्षक और शिक्षिका? यहाँ लगभग 1250-1300 लगभग बच्चे हैं जी। और उन पर लगभग 45 शिक्षक शिक्षिकाएँ सब मिलाकर हैं यहाँ जी, जी। और उसके अलावा कुछ ऑफिस स्टाफ, टीचर, क्लर्क्स हैं, चतुर्थी कर्मी है, लगभग 15 के आसपास उनके लोग हैं जी। सर आपके यहाँ मिनिमम कितना फी रखा गया है, मैक्सिमम फी? तो डिपेंड करता है, जैसे हर क्लास का अलग अलग होता है। हर क्लास इसीलिए आपसे पूछा हूँ कि मिनिमम का लगभग 1700-1800 रुपये मंथली फी होता है जी। 1 से लेके 5 तक का 2100 के आसपास होता है जी। 6 to 8 के 2500 के आसपास रहता है जी। और 10th का 3000 प्लस रहता है पर मंथ, 9th-10th का जी, 11th-12th का 2500 के आसपास रहता है जी। सर मंथली फी है, इसमें जो बच्चे बस सेवा लेते हैं वो बस की फी अलग से देनी पड़ती है। सर मैं एक चीज़ आपसे ये पूछ रहा था, जैसे मान लीजिए सरकार का गाइडलाइन है कुछ कि गरीब गुरबा के जो बच्चे हैं वो निशाहर हैं या सिविल कास्ट से उठ जाए, कहीं कहीं ये सब जो सब है उन लोगों का मान लीजिए आपके यहाँ एडमिशन करवाता है, जो एकदम समझिए कि जिसका पेरेंट्स मर गया है, माँ बाप नहीं है, कुछ नहीं है, निशाहर है, उसके लिए क्या करते हैं? उसका एडमिशन करते भी नहीं लेते? बिहार सरकार की जो शिक्षा नीति है जी, उसके तहत शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के तहत 25% एडमिशन हम सबसे नीचे की जो क्लास होती है उसमें हर साल लेते हैं जी। उसमें 25% कहने का मतलब जिस साल जितना भी, जो हमारा अभी सबसे नीचे का क्लास मान लीजिए LKG जी, तो LKG में अगर 10 एडमिशन होगा तो 2.5 बच्चा लेंगे जी। 15 होगा तो उसका 25%, 20 होगा तो उसका 25% जी। तो उतने बच्चों को हम हर साल शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत लेते हैं जी। और
जो जो विकलांग बच्चा है मान लीजिए, विकलांग ऐसे उनका कोई अलग से प्रोविजन नहीं है, नहीं। जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत है बिहार सरकार के गाइडलाइंस के तहत, उसके तहत ही उसके तहत जो सरकार द्वारा निर्धारित ये है चलते हैं उसको पूर्ण करें। कितना बजे तक स्कूल चल रहा है? स्कूल समय मौसम के हिसाब से बदलते रहता है, वैसे अभी जैसे गर्मी का समय है तो 7:30 बजे से 1:30 बजे तक बच्चों के लिए स्कूल चल रहा है जी। जाड़ा होगा तो फिर समय बढ़ेगा थोड़ा सा, 8:30 के आसपास जाएगा, फिर 2:30 तक जाएगा जी। बच्चे के लिए कुछ स्पेशल मान लीजिए, एक चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए सब बच्चा का ब्रेन अलग अलग होता है, कुछ तेज दिमाग का भी है, कुछ मुश्किल भी है, तो मान लीजिए उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, एक पटरी पर लाने के लिए क्या उसका कुछ? देखिए CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त यह विद्यालय है और CBSE भारत सरकार के आज के डेट में इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते जी, तो हमारी कोशिश रहती है कि हर बच्चे को हम शामिल करके ही चलें। कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत तेज होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं, तो उनको उस तरीके से क्लास में ही शिक्षक दे ही करते हैं जी। कभी कभी आपस में बच्चे एक दूसरे की मदद करते हैं, कभी शिक्षक अलग से कुछ मदद करते हैं, तो समय के हिसाब से चलते हैं। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार अपना नाम है पूरा? मेरा नाम प्रणव कुमार जी, MN प्राचार्य, MN DAV पब्लिक स्कूल झंझारपुर। जी आपका सर क्वालिफिकेशन? मेरा क्वालिफिकेशन MA BA जी। क्या सब्जेक्ट क्या था? MA English BA। अच्छा, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। मेरा नाम मोबाइल नंबर मेरा नाम हुआ अमर माथ मिश्र।